कमचा फूल देऊन या ठिकाणी यशोजी सत्कार सन्मान करायचा आहे। ते दुपारपासून या ठिकाणी कार्यक्रमाला आलेले आहेत। मी त्यांना फोन केला काल की तुम्हाला काही करून यावं लागेल आणि आपला आदिवासींचा कार्यक्रम आहे, त्या ठिकाणी सकाळी या ठिकाणी उपस्थित होते। काही कारणासो त्यांचा स्वागत या ठिकाणी राहून केलेलं होतं, त्यांचा या ठिकाणी सन्मान होत आहे। एकदा पुन्हा बिरसा मुंडांना आपण विनम्र अभिवादन करूया आणि त्यांच्या कार्याचा जो काही कार्य आहे ते निरंतर चालू ठेवूया। सोबेंको जोहार, जोहार रे जमाकन सोबे नबुआ हगा मिसी को बिरसा मुंडा कुटुंब परिवार सगाते फूल जोहार जय आदिवासी। तुम्ही विचार कर सका हे मुंडा सर तो कोणते भाषण बोलत आहे। प्रत्येक जनाले आपली दुधाची भोसली बोली आठवून राहिलीच पाहिजे। तुमची पोरा आज मराठी बोलाय मुगले काय, तुम्ही वारली कोळी कोकणी कधी बोलसा काय। अगर अपने समाज को अपनी बोली भाषा भूल गए तो सिर्फ सर्टिफिकेट पुरता आदिवासी नहीं चलेगा। आपके महाराष्ट्र के लोग तो आपको मालूम ही है, वो जाति वतनी पूछने के लिए कितने पूछते हैं आए, अभी दूसरे आदिवासी को मालूम नहीं है। चलो बोलने का तो बहुत समय बोलना था पर यहाँ पे मुझे बुलाया और मौका दिया इसके लिए सभी हमारे ओके मुझे डोके सर ने मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम धन सिंह अर्जुन मुंडा है। आप बोलोगे मुंडा सर तुमसे वरला ही धर्म बदल ले, हाँ तो तुझे भाषा नाम अर्जुन झाला। अरे काय करूं मुंडा लोका कोनी आसाम मा दफलाय, कोनी अंडमानी कबर मा दफलाय, कोनी लक्षद्वीप मा दफलाय, कोनी गोवा मा दफलाय, मी सिलवासले दफेला हूं। माझे नामाने काही केस नाही आहे। आमचे परिवार पुढपासून आयपीसी सीआरपीसी पासून बचूनच लढत आहे आणि जे मुळे मी आपले इकडे जगत आहू तुमचे प्रेमामुळे। जे 47 जनजाती आपले महाराष्ट्र मध्ये आहू तुम्हाले माझे इकडून आणि बिरसा मुंडा कुटुंब परिवारचे इकडून दिल से नमस्कार करता हूँ। जोहार जय आदिवासी। तो मैं एक मिनट में मेरी बातें खत्म करूंगा क्योंकि असली असली योद्धा तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। हाँ असली योद्धा यहाँ पे बैठे हुए हैं, खून में उपाल लाने वाले क्या बोलते हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं कभी लोग, असली योद्धा ये ही है। तो बोलने का तो बहुत है, दूसरी बात मैं बोलना ही भूल गया, ये मुकने की धरती में बोल के बड़ा बड़ा बोल के जाऊंगा वो भी गलती होगा, इसीलिए बिरसा मुंडा कुटुंब परिवार के ओर से भी मुकने परिवार को जोहार जय आदिवासी। जाते जाते एक बात बोलना चाहूंगा क्योंकि सुबह से मैं बहुत वेट कर रहा था, रैली में भी हम नहीं पहुंच पाए और मेरी ड्यूटी आज खानबेल में थी तो मेरा लड़का भी आप मैं उनको भी टीचर बना चुका हूँ। मतलब आप बोलोगे मुंडा सर आप टीचर हो तो क्या आप बच्चे को भेजोगे, नहीं यार क्या करूं यहाँ भी आना जरूरी था क्योंकि हमारा संबंध आपको शायद मालूम नहीं है चार युगों से है और इन लोगों से चार युगों का हिसाब चुकाना है। यहाँ पे जितने भी क्रांतिकारी आप लोग देख रहे हो जिनकी हम बहुत वाहवाही कर रहे हैं पर आपको क्या ये मालूम है इन्होंने जुडिशरी के लिए लड़ा था, इन्होंने क्या जुडिशरी के लिए लड़ा था, नहीं इन्होंने नॉन जुडिशरी के लिए लड़ा था। हमारा कॉस्मोपॉलिटन एरिया है यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन का ही सब हम और मैं भी कर रहा हूं उसका समर्थन कर रहे हैं लेकिन कोशिश करेंगे हम गांव की ओर जाने की तभी इनकी शहादत काम आएगी नहीं तो कोई काम नहीं आएगी। मैं धारक वादा करने का वचन देता हूं पैसा के पीछे आप और हम सब पड़े हैं ये आने वाले दिन आपके बच्चों को आने वाली है। आप बोल रहे हो ना आदिवासी आदिवासी ये नहीं चलेगा, आपको जब कोर्ट में पेश करना होगा आप इधर तो बोल देते हो कि बिरसा मुंडा को हम पहचानते हैं, जब बिरसा मुंडा के विषय में आपको मेमोरेंडम कोर्ट में देना पड़ेगा तब क्या करोगे आए? आज तो बोल रहे हाँ हम आदिवासी यहाँ पे कितने भी वक्ता चले गए पारधी सर उनके विचारों से बहुत लोग खपा हो सकते हैं क्योंकि मतभेद हो सकता है पर मन भेद ना हो और हम सब एक हो जाएं
यही सबसे बड़ी बात है। यहाँ आदिवासी को खत्म करने का इनका प्लान है। हम तो इनके मुंडा परिवार 10 कदम आगे चलते हैं। आने वाले दिन में आपको अगर बीज को बचाना है, डीएनए लड़ाई है, ये डीएनए उसको खत्म करने वाले हैं। ये डीएनए खत्म तो आप अब आदिवासी सिर्फ उसी में बचे हो, सिर्फ डीएनए में, बाकी खत्म हो चुकी है। यहाँ पे जितने भी मेरे अगुवागण हैं उनसे भी मेरा नम्र विनती है, आपकी जय हो आने वाले दिन में नहीं चलने वाली है। नहीं तो देखना फिर उस समय मुंडा जी को ढूंढोगे, वो नहीं मिलने वाला है। हम एक ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़े थे, जुगो जुग लड़े, कितने क्रांतिकारी यहाँ पे खत्म हो गए एक ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। क्या आपको मालूम है गूगल मेरा बाप है, फेसबुक मेरा बाप है, यूट्यूब मेरा बाप है? वो तो ब्रिटेन का है, वो तो वो उसी ईस्ट इंडिया कंपनी का भाग है। तो यूट्यूब वाले हमारे साथ ही नाराज हो जाएंगे, जैसे भरत गवली जी मुंडा सर आके हमारी वाट लगा दिए बोलेंगे। चलिए सभी को इतना ही बोल के मैं मेरा निवेदन मेरी वक्तव्य खत्म करता हूँ। सभी को जवाहर जय आदिवासी। धन्यवाद मुंडा सर, आप यहाँ आए हमें बहुत अच्छा लगा। मुंडा सरांविषयी बोलायचं तर ते सेल्वास इथे कराटे क्लासेस चालवतात आणि विशेषतः जव्हार मध्ये सुद्धा त्यांनी कराटे क्लासेस काही वर्ष चालवलेले आहेत, त्यामुळे खूप छान योगदान सामाजिक कार्यामध्ये मुंडा सर देत आहेत। धन्यवाद खूप।